अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 3D स्पेस। वीरे लाइट्स के हमने लेक्चर्स कर लिए हैं कंप्लीट। अब वीरे लाइट्स में जो हमारे पास डिफरेंट लाइट्स हैं, और अब हमारे पास वीरे सन है। आज हम वीरे सन करते हैं। ये मैंने एक सीन लोड किया है अपने पास, इस पर सारा कुछ हुआ हुआ है, मटेरियल वाला टेक्सचर। मैं इस पर ओवरराइड एक सिंगल मटेरियल लगा देता ताकि हमारे रेंडर जल्दी आ जाए। और यहाँ पे हम वीरे सन अप्लाई करते हैं। वीरे सन के लिए टॉप व्यू में आते हैं। टॉप व्यू में आके वीरे सन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करना है। माउस को ड्रैग करेंगे तो ये हमारा टारगेट आ रहा है। अब हमने टारगेट सेलेक्ट करने के एंगल किधर जाए सन का। अभी जैसे ही आप इसको रिलीज़ करेंगे बटन को, अभी हमसे पूछेगा कि हम वीरे स्काई इन्वायरमेंट में लगाना चाहते हैं कि नहीं। अब ये किस तरह है, अब हम जैसे वीरे सन को अप्लाई करेंगे, जैसे हमने वाटर मटेरियल में किया था कि हम वीरे सन अप्लाई करते थे तो इन्वायरमेंट लगाते थे। अब इन्वायरमेंट का जैसे हमारे सन के एंगल चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा इन्वायरमेंट का कलर चेंज होगा। इसको हमने इसलिए यस कर देना, यस कर दें इसको, ठीक है। अब ये हमारे ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल होराइजन पॉइंट पे पड़ा है हमारे जो सन है। इसको हम मूव करके इसको एंगल दे देते हैं टॉप पे, ठीक है। ये एंगल आ गया। अब हम इसको कैमरा व्यू में जाते हैं अपने, और कैमरा व्यू देख लेते हैं कौन सा हमारे पास ये है। इसको हम रेंडर करके देखते हैं। सिंपल, आपने एंगल देने और हाइट देनी ज़रूरी है हमारे सन को, नहीं तो हमारी लाइट जो है डिस्ट्रीब्यूट सही नहीं होगी। ये हमारा सीन थोड़ा हैवी है, इसकी वजह से हमारा टाइम टेकिंग हो रहा है। इस पे ओवरराइड मटेरियल लगाया हुआ है मैंने, वो किस तरह लगता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अब ये क्या, अब हमारे सन का एंगल जैसी था वो एंगल में शेडोज बन गए और हमारा इसका ऐड हो गया। सिंपल, ये इजी होता है, इजी मेथड। आपने खाली सन लगाना है और इसको एंगल दे देना है, आपका वैसे ही जो इन्वायरमेंट है सेट हो जाएगा। अच्छा, ये सन के एंगल हो गया और ये बहुत ज़्यादा ना शार्प शेडोज़ आ रहे हैं। जो हमारे शेडोज़ बन रहे हैं वो शार्प है। अगर हम हाई क्वालिटी निकालेंगे तो हमें पता लगेगा ये शेडोज़ हैं वो शार्प हैं। अगर हमने शेडो स्मूथ करने हैं, वो आपको मैं लाइट्स के लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि आपने किस तरह करना है। जितना आपके लाइट का साइज़ होगा उतना ही आपका जो है लाइट के जो शेडोज़ हैं उतने स्मूथ बनेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब यहाँ पे हमारा साइज मल्टीप्लायर 1 है। अगर मैं इसको 6 कर दूँ तो मेरे जो शेडोज़ यहाँ पे बन रहे हैं वो थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे। अगर मैं कार की शेडो पे रीजन एंटर करता हूँ, इसको रीजन एंटर करते हैं, अब ये इसने क्या कि हमारे शेडोज़ जो हैं स्मूथ हो गए। अब इसकी सब डिविजन्स बढ़ाएंगे तो हमें इसमें डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से पता लग सकेगा चीज़ों का। इसलिए आपने जब भी सन वगैरह को लगाना है, शेडोज़ आपने शार्प नहीं दिखाने वहाँ पे, तो फिर आप ये इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं सन का। अच्छा, ये तो हो गया सन की लाइट का, अगर हम एंगल में सेट करते हैं। अब इसकी वेरिएशंस किस तरह आती हैं, अगर हम सन को मूव करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट हाइट पे। ये हमारा शेडोज जो है थोड़ा सा स्मूथ हो गया।
सब डिविजन्स बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा हमें चीज़ें परस्पेक्टिव व्यू में आके। अब हम सन का एंगल चेंज करते हैं, सन का एंगल जैसे ही चेंज करेंगे जो हमारा बैकग्राउंड में स्काई है उसका कलर भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैं इसको इस साइड पे ले आता हूँ, वेस्ट साइड पे अगर हम इसको डाउन कर दें एंगल को तो हमारा जो इन्वायरमेंट और लाइट की जो डिफरेंस है वो पता लग जाएगा कैसे चेंजेस आई है। अभी इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा है इसलिए हमारा जो रेंडर टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, नहीं तो इतना टाइम लेता नहीं है। ओवरराइड मटेरियल इसलिए लगाते हैं हम ताकि हमारी जो लाइट सेटिंग्स है वो जल्दी से हो जाए, फिर बाद में हम मटेरियल पे वर्किंग कर सकें। अगर आप मटेरियल भी लगा देंगे और वो भी कर देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा वाइट क्यों हो गया, क्योंकि हमने कैमरे व्यू से नहीं लिया। जब भी आपका वीरे सन अप्लाई होगा आपने हर दफ़ा रेंडर जो है वीरे कैमरे से लेने हैं, वीरे फिजिकल कैमरे से रेंडर नहीं लेंगे तो आपका एक्सपोजर ओवर एक्सपोज हो जाएगा, रेंडर जो है वाइट हो जाएगा। इसलिए एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए हम वीरे कैमरा यूज़ करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा वार्म टोन आ गया क्योंकि हमारे जो सन का एंगल था बिल्कुल सामने आ गया, इवनिंग टाइम जो होता है उस तरह हमारा सन का एंगल आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्काई भी थोड़ा सा डल हुआ है और हमारा जो इन्वायरमेंट की लाइट है वो वार्म टोन में चली गई है। अब ये सारा कुछ आपको डिपेंड करता है आप किस तरह का मूड क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये पूरा आप जो भी सीन आप ना क्रिएट करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं रेंडर। ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम एक और थर्ड एंगल लेके देखें कोई पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाए, अब एक एंगल हम यहाँ से लेते हैं सन को, बिल्कुल ऊपर चढ़ा के देखते हैं कि अगर हम इधर बिल्कुल सामने ले आए घर के तो कैसे लगेगा। कैमरा व्यू पे आके रीजन एंटर करके फिर से हम एक रेंडर लेके देखते हैं यहाँ से। अब ये कैमरा बिल्कुल सन ऊपर आने से क्या हुआ कि हमारे शेडोज़ जो हैं वो क्रिएट होना ख़त्म हो गए हैं और नीचे डाउनलोड हो रहे हैं, इससे थोड़ा सा हमारा क्या है ओवर एक्सपोज हो गई है जो हमारी चीज़ें हैं, तो ये नेचुरल नहीं होता हमारे जो रेंडर है। इसलिए हम लाजमी कोई भी है ना हम एंगल में रखते हैं सन को, या तो आप डाउन में ले जाएँ या आप किसी भी एंगल पर रखें जहाँ पर हमारी बिल्डिंग पे शेडोज़ आ रहे हो। अब इसमें हमारे रियलिस्टिक रेंडरिंग में होता है कि हमारी जो बिल्डिंग का एक फेस है वो लाजमी डार्क होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हमारा एक फेस है उस पर लाइट कम पड़ रही है और फ्रंट के फेस पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है, इससे क्या होता है हमारा एम्फेसिस होता है बिल्डिंग पे। तो ये डिपेंड करता है आप किस एंगल में दे रहे हैं, जिस भी एंगल में आपने देना है कोशिश करने के बिल्डिंग में फेसेस में कंट्रास्ट शो हो सके अकॉर्डिंग टू लाइट। ये आर्किटेक्चर आप ऑब्जर्व करें बिल्डिंग्स में और रेंडरिंग में भी आप देखें डिफरेंट आर्टिस्ट की रेंडर्स किस तरह होते हैं, वो किस तरह वर्किंग करते हैं लाइटिंग से। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद सन की हम कुछ सेटिंग्स देखते हैं, ये तो एंगल की सेटिंग्स होगी थी अगर हम सन को एंगल में प्लेस करते हैं। इसको एक दफ़ा वापस फिर से हम वही एंगल ले लेते हैं जो पहले हमने दिया हुआ था। ठीक है, ये हो गया। अब कैमरे पे आते हैं, कैमरा टू। अब ये हमारा इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, अगर हम ऑफ कर देंगे तो सन की लाइट ऑफ हो जाएगी। सेकंड हमारा इनविजिबल आ रहा है, अगर हम सन को बैक साइड पे ले जाएं इसके तो हमारे पास ये सन का जो
डायमीटर है ये हमें शो होगा। अगर हम प्लेस कर देते हैं सन को बैक साइड पे, ये हमारा सन इधर आ गया। हम यहीं से रीजन एंटर करके इस साइड का चेक कर लेते हैं कि सन किस तरह हमें शो हो रहा है। ठीक है जी, आ गया और सन हमारा बैक साइड पे हमें नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि हमारा ओवर एक्सपोज्ड हुआ है। अगर हम इसको एंगल बिल्कुल नीचे करें तो फिर शायद ये हमें थोड़ा सा शो हो जाएगा, या तो हम इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी सन की। एक दफ़ा इस पॉइंट से कर लेते हैं रीजन के अंदर। देखा और नहीं जो कि हमने बैक साइड पे अगर लेके गए, सन हमें नज़र नहीं आ रहा। हमारा सन का है डायमीटर ज़्यादा, साइज़ मल्टीप्लायर, इसका हम साइज़ मल्टीप्लायर 1 करते हैं वापस से, और इंटेंसिटी हम इसकी 0.5 कर देते ताकि हमें विजिबल हो सके सन। अब ये ज़रूरी नहीं है विजिबल हो कि नहीं, आपको एंगल देखना होता है आप क्या चीज़ शो करना चाह रहे हैं। वो हम पोस्ट प्रोडक्शन में भी डिफरेंट पिक्चर्स निकाल के उनको प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि रेंडरिंग में हमारा बहुत टाइम ले जाता है, हम बार बार रेंडर करते हैं उस चीज़ को। अब यहाँ पे देखें पॉसिबल नहीं हो रहा कि हम उसको सन को शो कर सकें सही से, तो इसमें बेहतर ये होता है कि हम उसको पोस्ट प्रोडक्शन में कर लें। अब वापस से मैं सन को प्लेस करता हूँ अपने जहाँ पे हमने पहले सेटिंग की हुई थी सन की, एंगल पे ले आए इसे और इसकी हाइट बढ़ा दें। ये हाइट बढ़ गई, वापस से हम कैमरा व्यू पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी इंटेंसिटी वापस 1 कर देता हूँ और इसका साइज़ मल्टीप्लायर हम 5 कर देते हैं। ठीक है, इनविजिबिलिटी पर इफेक्ट डिफ्यूज़ हमने ऑन रखना है ताकि हम मटेरियल पे इफेक्ट करें, कंट्रीब्यूशन इफेक्ट स्पेकुलर भी ऑन रखना है। टर्बिलिटी क्या होता है हमारा, टर्बिलिटी ये होता है कि हमारा जो रेंडर है हमारी स्काई जो है ब्लू है, अगर हम 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ करेंगे तो हमारा मड में चला जाएगा। 3 अगर मैं इसको 5 करता हूँ रेंडर करते हैं अब, अभी इसने क्या किया हमारा थोड़ा सा डस्टी इन्वायरमेंट कर दिया, तो हमारा जो ब्लू शेड जो था फ्रेशनेस ही वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर हम इसको और बढ़ा दें टर्बिलिटी को 8 कर दें, फिर से एक दफ़ा रीजन एंडर लें यहाँ पे इस एरिया का,
ये इसने एनवायरनमेंट को मारा और ब्राउनिश कर दिया हमारे जैसे, आंधी वाला सीन हो गया, हमारा पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब ये सारे सेटिंग्स आप सन से कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रेंडर में दिखाएं आपको। HDRI आप ना भी यूज़ करें, आप डायरेक्ट सन से डिफरेंट रियलिस्टिक इफेक्ट्स कर क्रिएट कर सकते हैं। ओजोन की वैल्यूज़ को नहीं चेंज करना, इंटेंसिटी मल्टीप्लायर हमारे सन की इंटेंसिटी अगर हम थोड़ी कम करें तो हम जैसे लाइट की कम करते हैं, इसको ज़्यादा नहीं करना, सन के हमारा ओवर एक्सपोज हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह उस पर करें। कलर मोड का ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, हम फिल्टर कर सकते हैं किसी भी एक कलर को। अब जैसे हमने लाइट्स में फिल्टर्स लगाए थे, वो कलर्स को डिफ्यूज़ कर देता है, चेंजेस कर देता है कलर में। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं इसमें अगर आप करना चाहें। वैसे हम इतना यूज़ नहीं करते ये चीज़ जो है। ठीक है, कलर का थोड़ा सा डिफरेंस आया है क्योंकि ये चीज़ हमारी इतनी इफेक्ट नहीं करती, इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसलिए हम इसको वापस से वाइट कर देते हैं। कलर मोड फिल्टर आपने डायरेक्ट ही रखने, फिल्टर ही रखना है इसको। और उसके बाद हमारा है शेडो सब डिविजन्स, हम फाइनल रेंडर में बढ़ाते हैं ताकि जो हमारे शेडोज़ की जो सब डिविजन है, नॉइस है, वो प्रॉपर हैंडल हो सके। उसके बाद शेडो बाई फोटोन इमेज को नहीं छेड़ना। स्काई मॉडल्स पे प्रीथम आ रहा है, इसको अगर हम क्लियर करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे स्काई थोड़ा सा और ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, ये टर्बिलिटी की वजह से हमारा वो हो रहा है, टर्बिलिटी हम वापस से 3 कर देते हैं ताकि स्काई ब्लू हो जाए हमारा। ठीक है जी, ये थोड़ा सा हमारे स्काई जो है फ्रेश हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ओवरकास्ट का ऑप्शन है। इससे हमारे स्काई जो है ओवरकास्ट क्लाउडिश हो जाएगा, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट जो है ग्रेइश इफेक्ट देगा। अब ये डिफरेंट कलर मोड्स हैं, अब ये सारे कलर मोड्स को ट्राई करें सन के एंगल चेंज करके, उसके साइज शेडोज़ वगैरह से प्ले करके, टर्बिडिटी को चेंज करके और स्काई मॉडल्स को चेंज करके। अब ये हमारा ओवरकास्ट का रेंडर आ गया, इसने क्या कि हमारा ग्रेइश कर दिया, हमारे जैसे ओवरकास्ट से सीन होता है, तो ये हमारा ओवरकास्ट का हो जाएगा। ठीक है जी, ये थी हमारी वीरे सन की सेटिंग्स। अब वीरे सन से हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं और रियलिस्टिक इफ़ेक्ट्स खाली एक लाइट से हम अचीव कर सकते हैं, हमने इसमें और कोई लाइट यूज़ नहीं की। वीरे सन लाइट का ये हो गया, अब हम आगे बाकी लाइट्स को कवर अप करके एक एक्सटीरियर सीन को प्रॉपर क्रिएट करेंगे।